मुन्ने की जनता अरे अरे चलो 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 पीछे 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 चलो पीछे चलो क्या कर रहे हसन भाई भाई बाकी क्या हाल चाल बस हेलो मजा आ गया सब अच्छा यहां आ जाओ 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 मुनार भाई यहाँ पे कांग्रेचुलेशन मुनार यहाँ पे मुनार मुनार यार मुनार मुन्ना की जनता जीत गई भाई थैंक यू भाई भाई इधर बढ़ो यहाँ पे सेंटर कॉर्नर कॉर्नर पे कैसा लग रहा है सेंटर सेंटर मुन्ना भाई सेंटर भाई थैंक यू सो मच सेंटर सेंटर मुनार भाई इधर देखो मुनार यहाँ पे सेंटर भाई आपके सेंटर नीचे भाई सेंटर भाई यहाँ पे भाई 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 एक रियल भाई सेंटर लुक भाई सेंटर लुक मुनव्वर भाई सेंटर लुक इस तरह की फीलिंग हो रही है मैं जानना चाहूंगा पहले ओके करो भाई ये फीलिंग अद्भुत है मुझको यकीन नहीं हो रहा है अरे लेकिन इसका ख्वाब इसका सपना जब मैं पहले दिन इस गेट से अंदर आया था तभी देख लिया था कि यहाँ से लोगों को देना है बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बदले में मैं यहाँ से ट्रॉफी लेके जाऊंगा और भाई ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि लोगों ने इतना प्यार दिया और इतनी इज्जत के साथ बाहर निकाला बस आप जब आए थे एक अलग इमेज से आए थे नाउ यू आर गोइंग आउट ट्रॉफी हाथ में किस तरह की फीलिंग होती है और क्या कुछ रिएक्शन आप एक्सपेक्ट करते हो बस यही होता है कि आपको अरे ये भाई मोबाइल किसी को ना यार और सब उसको बहुत प्यार देना है यार हमेशा की तरह जैसे आप सबको प्यार देते हैं इसको देते रहना ये हमारा बहुत प्यारा बच्चा है जब मैं शो में आया मैं नहीं बता पा रहा था कि मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ पर मुझे पता था कि ये समीरा समीरा मैं इसको बोला था कि जब मैं जाऊँगा ना मेरे पास एक बहुत खूबसूरत चीज़ होगी हो गई ये हमेशा वो लोग पसंद आते हैं जो एक शो में जाकर जान डाल देते हैं और जान डालिए बहुत जल्दी हम साथ दिखते रहेंगे आपको और अभी अरे बाइट हो जाने दो यार भाई बाइट होने दे भाई देख के मेरा सवाल भी क्या कुछ कहना चाहोगे किस तरह का रिएक्शन यही है कि आपको आपके 10 सेकंड या 20 सेकंड के काम को देखकर आपको मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है लेकिन जब 24 घंटे सातों दिन आप पे कैमरा हो और वो जनता उसकी गवाह हो तब आप सही में क्या हो वो लोगों तक पहुंचता है भाई सेंटर लुक मेरे नसीब में ये मौका लिखा होगा कि मेरे डॉट्स होंगे जिंदगी के पहले मुझे मिसअंडरस्टूड किया गया और आज अगर इन्हीं लोगों ने इतना प्यार दिया है तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ दिल से और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे को ये मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का मेरे पास बहुत डिफिकल्ट ऑडियंस था हर आर्टिस्ट को ये मौका नहीं मिलता कि उसको एक डिफिकल्ट ऑडियंस मिले जिनका उन्हें दिल जीतना पड़ा तो मेरे साथ ये हुआ कि एक ऑडियंस थी जो बहुत डिफिकल्ट थी मेरे लिए बट मैंने वो किया है और मैं आगे भी करता रहूँ डू यू बिलीव पीपल आर गोइंग टू सी यू इन अ डिफरेंट वे व्हेन यू गो आउट बिकॉज़ देयर आर टू मेनी पीपल हु वे सीइंग यू इन अ डिफरेंट वे काफी वो दो मिनट की वीडियो आप खेल भी जा चुके थे आप रियलिटी शो के झेल के विनर बन चुके हैं ट्रॉफी हाथ में क्या कहना चाहोगे इसके बारे में वापस और बोल दो जोन मुनव्वर आपने मतलब कहीं अपने योर लाइफ इज वेरी मतलब आपने जेल में भी गए मोबाइल पीछे सपोर्ट किया एक सेक्शन और लेकिन क्या अब आगे की जो जर्नी है तो ये कंट्रोवर्सी से आप बच पाएंगे और अपने करियर में ज्यादा फोकस रह गया देखो कंट्रोवर्सी से ही नाम बढ़ाना होता तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं हम दिन रात जोक लिखते हैं ओपन माइक्स में जाते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ मैं तो मुझे पता है वो व्हाट इट टेक्स टू मेक 100 पीपल लाफ टुगेदर जिनका सबका डीएनए अलग है जो सब अलग सोचते हैं तो बहुत मुश्किल होता है एक जोक लिखना और कहीं होता है कि एक उम्र है एक एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है तो जो एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि मैं अपने काम से किसी का दिल दिखाऊं तो डेफिनेटली मेरे काम से लोगों के चेहरे पे सिर्फ हंसी आई जी मैंने एक चीज खो दी जो है मेरी ऑडियंस के साथ मेरा कनेक्शन वो जो 24 घंटा सातों दिन मुझे जब देखते थे तो मुझे लगता है मैंने वो खो दिया तो शायद वो भी अपसेट होंगे बट मैं कोई ना कोई रास्ता चुन लूँगा
ढूंढ लूंगा उन तक पहुंचने का बहुत जल्द। अंजलि और आपकी दोस्ती काफी गहरी किस तरह से मैं एक चीज ये बोलूंगा कि अभी मैं बाहर जाऊंगा ना तो स्टैंड अप कॉमेडियन जितने भी है ना उन्होंने ये 2 महीने मुझ पे 10,000 जोक बनाए होंगे, बट मैं जब जाऊंगा मैं वो पढ़ूंगा और मैं खुश होऊंगा, बहुत सारे मीम्स बने होंगे मुझ पे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी वो लिया कि मैं एक इतनी फेमस पर्सनालिटी हूँ, मुझ पे जोक बनना वाजिब। तो हमारा ये होता है कि हम जब जोक बनाते हैं किसी फेमस पर्सनालिटी पे हमारा काम ईजी हो जाता है, एवरीवन नो द कॉन्टेक्स्ट, ये सब जानते हैं करना है कि जिंदगी में क्या चल रहा है, उसको उन्होंने फॉर्मी में जोक करना। तो उन्होंने बहुत प्रोफेशनली उस चीज़ को लिया, आई एम वेरी थैंकफुल एंड शी इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हर।